दिन हो गए हैं तुम अपने कमरे से ही नहीं निकलती, कब तक ऐसे ही पड़ी रहोगी? दिल नहीं करता बाहर निकलने को। दिल तो पता नहीं क्या क्या करने को करता है, लेकिन कभी कभी अपने दिल के बजाय दूसरों की भी सुननी पड़ती है। आप कहिए भाभी, मैं सुन रही हूँ। मैं कह रही थी कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा हादसा गुजरा है, लेकिन दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। आप निभा तो रही है दुनियादारी, सभी कुछ तो देख रही हैं आप। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि मैं अकेली कब तक और क्या क्या देखूंगी? नयनतारा, कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी भी है ना। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर किचन में थोड़ा सा हाथ बटाओगी मेरा, तो तुम्हारा भी जहन बटेगा ना। मेरी तो जात ही टूट कर हिस्सों में बट गई है। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ नयनतारा, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आपको मैं जिंदा नजर आती हूँ? मैं तो अरमान के साथ ही मर गई थी, बस मुझे दफनाना भूल गए। फिक्र ना कर, तुम्हारी ये मुश्किल मैं जल्द ही हल कर दूंगी। वैसे नयनतारा, तुम ठीक कहती हो, एक बेवा औरत की भी क्या जिंदगी, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो। अगर इस बच्चे का सिलसिला नहीं होता तो 4 माह बाद तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती। नई जिंदगी? हाँ, देखो तुम 21 साल की हो ना, कोई 50 साल की थोड़ी हो जो बेवा बन के पूरी जिंदगी गुजारोगी। नया घर तो बसाना है ना भाभी। आपने आज ये बात कह दी है, प्लीज आइंदा मत कीजिएगा। आपको अंदाजा है आपके इन अल्फाज ने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है? अरे मैं तो तुम्हें बहन समझती हूँ, इसलिए बस एक बात कह दी। तुम चाय पियो, मैं फरहान को देख कर आती हूँ। देखिए।